समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मिशन 80 के जवाब में नया नारा बुलंद किया है। कन्नौज में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया मंत्र दिया है। पत्रकारों से अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराना है, सपा और गठबंधन का यही लक्ष्य होगा। करहल से विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और बीजेपी हटेगी, सभी दल साथ आए, खासकर के जो दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम से चुनाव कराने की आलोचना की है। सपा नेता ने कहा कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसे देशों की जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो महीनों बैलेट से वोट डलवाते हैं। जापान जैसे देश बैलेट से वोट डलवा रहे हैं। जर्मनी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि ईवीएम से वोट पड़ेगा तो ये अनकंस्टिट्यूशनल होगा। एमपी में शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाने पर भी सपा नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि जो लाडली योजना थी उसकी वजह से सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिला। अब आप खुद कल्पना करिए कि लोकतंत्र में जिस नेता की वजह से सरकार बनी हो वही मामा दुखी हो। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने वाले रैट होल माइनिंग की टीम के 14 सदस्यों को 1-1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन साथियों ने अपनी जान की परवाह न कर दूसरों की जान बचाई है। सरकार ने सुरंग में फंसे श्रमिकों की मदद की, मगर उसे इन बचाने वालों को भी मदद करनी चाहिए थी।